हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबसे पहले प्रूफ देख सकते हो, मैंने मूवी क्विक एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था, जो कि मेरा लोन यहाँ पर सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। और जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ चुका है। सो दोस्तों, अगर आप मूवी क्विक से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट डेमो दिखाने वाला हूँ, इससे आपको पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, यहाँ से आपको लोन मिलेगा तो कितने अमाउंट का मिलेगा, ईएमआई चार्जेस क्या रहने वाले, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप मूवी क्विक से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो एक बार पूरा कंप्लीट देखना, इससे रिलेटेड आपके इतने सारे डाउट्स हैं, सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान समझना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, जिससे आप लोन अप्लाई कैसे करोगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस वीडियो में बात करें कि मूवी क्विक से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करें। जैसे कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं मूवी क्विक एप्लीकेशन से, तो इस वीडियो में आपको पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि आप इससे पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करोगे, लोन मिलने के बाद बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करोगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में मूवी क्विक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान समझना है। सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन लोन अप्लाई करना तो सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि इससे आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है, ईएमआई चार्जेस क्या रहने वाले, कितनी आप ईएमआई बना सकते हो, ये सब कुछ आपका जानना जरूरी है। तो मैं ये सब कुछ आपको बता देता हूं। तो मैंने इसको ऑफिशियल आर्टिकल पर क्लिक कर दिया। देखो, यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई गई है। जैसे कि देखो, अगर आप आर्टिकल में आके यहाँ पर देखो तो साफ साफ दिखाया गया, पहले तो आपको जिप बाई नाउ पे लेटर, इस एप्लीकेशन मूवी क्विक एप्लीकेशन में आपको पे लेटर भी देखने को मिलता है, जो कि आपको जिसकी लिमिट 60,000 तक होती है। आपको कितनी मिलेगी आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। इसमें आपको एक तो इस तरीके का लोन मिल जाता है, ये भी बाई नाउ पे लेटर है, इसको आपको एक महीने बाद पे करना होता है, एक महीने के लिए लोन आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको इसमें देखने को मिलता है, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ऑप्शन आ रहा है लोन ईएमआई। इसमें आपको एक लोन एक अलग देखने को मिलेगा और पे लेटर आपको एक अलग देखने को मिलेगा। लोन में अगर अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 लाख तक का आप लोन अप्लाई कर सकते हो, और इसको आप 3 महीने से लेकर 24 महीने के लिए आप इस लोन के अमाउंट को ले सकते हो। और अगर आप प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो वो 2% 4% रहने वाली है। इसमें आपको देखो पे लेटर आपको अलग मिलता है और आपको लोन अलग मिलता है, दो तरीके के आपको लोन देखने को मिलेंगे। पे लेटर का जो भी पैसा आपको मिलेगा वो 1 महीने के लिए मिलता है, और लोन लोगे तो अपने हिसाब से ईएमआई बना सकते हो। और देखो, आप एग्जाम्पल दिया गया है सिंपल ईएमआई कैलकुलेशन। जैसे कि देखो, अगर आपको 50,000 रुपये का लोन मिलता है मूवी क्विक एप्लीकेशन से, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है वो आपका 16% रहने वाला है। आप साफ साफ मेंशन किया गया 16%, और आपको 50,000 रुपये का अमाउंट ओनली 12 महीने के लिए दिया जाता है। अब ऑप्शन आ रहा है 12 महीने के लिए आपको दिया जाएगा। जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी वो आपकी 4,537 रुपये की बनने वाली है। टोटल आपको इंटरेस्ट देना है 4,444। अगर आप 50,000 का लोन लोगे तो आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना एक साल में 4,444 रुपये पे करनी है। तो आप अपने बजट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, अगर इतनी ईएमआई बनने अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इससे आपको लोन अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद सिंपल आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर हर एक स्टेप को ध्यान से समझना और वीडियो को ध्यान से देखना है। ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ओपन पर क्लिक करोगे, अब आपको मूवी क्विक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम पर डाउनलोड किया तो सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डाल का ऑप्शन आया, तो आपको मोबाइल नंबर डाल के इसमें लॉगिन कर लेना है। मैं इसे अपनी डेली यूज करता हूं, तो मैं इसको ऑलरेडी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ हूं, मैं पहले से इसको यूज कर रहा हूं। अब आपके सामने जैसे आप इसमें लॉगिन कर लोगे, आपके सामने सेम टू सेम इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान समझना है, यहां पर आपको दो चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले आपके सामने का जिप पे लेटर देख सकते हैं, ये एक अलग तरीका है। इसमें आपको पे लेटर मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें आपको जो भी पैसा मिलेगा मैक्सिमम आपको 60,000 तक देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो भी आपको पैसा मिलेगा वो सिर्फ आपको 1 महीने के लिए दिया जाता है। हर महीने की अगले आपको 5 तारीख को आपको ये पैसा आपको पे करना होता है पे लेटर के अंदर, ये होता है पे लेटर। और अगर आप लोन अमाउंट की बात करें तो लोन का सेक्शन आपको दूसरा देखने को मिलता है। सबसे पहले देखो, मैं आपको पे लेटर के बारे में बता देता हूँ। इससे पहले मुझे यहाँ पे लेटर की लिमिट मिली हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आप इस पर क्लिक कर दिया जिप पे लेटर, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अवेलेबल जिप लिमिट है मूवी क्विक एप्लीकेशन, मुझे यहाँ पर जिप की यानी पे लेटर की लिमिट मिली हुई है 10,000 रुपये की, जिसको मैं डेली यूज करता हूँ, अपने ट्रांजेक्शन में यूज करता हूँ, पूरे मंथली में इस पैसे को यूज करता हूँ। उसके बाद मैं हर महीने के अगले आने वाली 5 तारीख होती है उसको मैं इसका पूरा फुल पेमेंट कर देता हूँ। सो दोस्तों, ये होता है जिप पेमेंट, जो कि आपको जिप की लिमिट मिलती है, इसको पे लेटर बोलते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि देखो, इससे मैं एलपीजी बुकिंग कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर सकता हूँ। और अगर आप पे रेंट की बात करें, जैसे मुझे बैंक अकाउंट में अगर ये पैसा भेजना है तो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेंट पे, रेंट पेमेंट, इसके माध्यम में अपने इस लोन के पैसे को बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये जिप पे लेटर, इसको भी आप एक्टिवेट करके देख सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो जिप पे लेटर क्या है, इसको आप कैसे एक्टिवेट करोगे, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको मूवी क्विक से लोन के बारे में बता देता हूँ। तो मैं इसको बैक कर लिया। अब देखो, मैंने आपको पे लेटर के बारे में तो दिखा दिया, सारी चीज मैंने आपको बता दी। दूसरा ऑप्शन
आपको देखने को मिलेगा जिप लोन, ये वाला ऑप्शन है जिप ईएमआई लोन्स। अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान समझना, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाया गया मैक्सिमम आपको यहाँ से 2 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने बॉक्स आएगा, इसको इस बॉक्स को टिक करना है, मैंने इसको टिक कर दिया। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन आए तो आपको रीड करके आई अपसेट और कंटिन्यू कर देना, मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, मेरी बात को ध्यान समझना है। देखो आपके सामने अब ऑप्शन आएगा प्लीज शेयर 5 मोर डिटेल्स कंप्लीट योर केवाईसी, आपको केवाईसी को कंप्लीट करना है सबसे पहले, उसी के बाद आपको लोन देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, केवाईसी कंप्लीट करनी है। अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं टेक ए सेल्फी टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। सबसे पहले यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया, अगर आप अगर सनग्लास यूज करते हो, चश्मा यूज करते हो, तो आपको चश्मा को उतार देना है और आपको अपना फेस एकदम क्लियर करना है, और आप देख सकते हैं आपका फोटो एकदम क्लियर कैप्चर करना है आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। सिंपल आपको टेक ए सेल्फी पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करके आपका मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको एक फोटो को अपलोड कर देना है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक फोटो को अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपके सामने आएगा यू आर ऑलमोस्ट डन, इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ फिर से पूछेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो अगर आप सैलरी है तो सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इसको सेलेक्ट करें, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने आएगा सेलेक्ट योर प्रोफेशन टाइप, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब पूछेगा देखते अभी क्या आप ट्रेडर है या फिर सर्विसर है रिलेटर है, जो कोई भी आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके सामने आएगा देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड को, अगर आप सिंगल है तो अनमैरिड को सेलेक्ट करेंगे, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके सामने आएगा जेंडर, मेल या फीमेल आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, मैं मेल हूँ तो मैंने मेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आएगा एंटर फादर्स नेम, आपके पैन कार्ड पर जो भी आपके फादर्स का नेम डाला है वो आपको फादर्स का नेम फिल कर देना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके सामने एंटर प्रोफेशनल ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को फिल कर देना है, कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को डाल देना है। थर्ड ऑप्शन आपके सामने एंटर मंथली इनकम, ये वाला तो सिंपली यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम डाल दें, जो भी आपकी मंथली इनकम होती हो एक एवरेज इनकम आपको फिल करनी है। उसके बाद आपके सामने करंट एड्रेस करंट पिन कोड, अभी आप जहाँ कहीं पर भी रहते हैं आपका जो भी एड्रेस है वो आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है करंट एड्रेस, उसके बाद आपको अपना करंट पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद सिंपल आपको सबमिट पर क्लिक करना है, आपको जितने अमाउंट का लोन मिलेगा उतना अमाउंट आपको फॉर्म पे पर शो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल कर दिया, अपने फादर्स का नेम, ईमेल आईडी, मंथली इनकम, सारी चीजें मैंने फिल कर दी है। उसके बाद सिंपल आपको सबमिट कर देना, मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब इस तरीके से प्रोसेसिंग लेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है, अनफॉर्मेलिटी योर लोन रिक्वेस्ट कैंट मूव हाई हेड, देख सकते हैं मेरा जो सिविल स्कोर है, मैंने जो अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल किया है उसके आधार पर मेरा लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है, मुझे मूवीक्विक से लोन नहीं मिल सकता। सो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके का होम पेज आ जाएगा। मूवीक्विक क्या करता है, अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा ही हाई होता है, ऊपर की साइड ज्यादा ही आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो ही आपको लोन देखने को मिलता है। मैंने इसमें एक बार पहले भी अप्लाई किया था, पहले मेरा एक्ट हो गया था, इस बार मेरा लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपको लोन मिलेगा जितने अमाउंट का मिलेगा उतना अमाउंट आपको यहाँ पर होम पेज पर शो हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो ये कैंसिल कर देगा। सो दोस्तों आप इस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। तो देखो अगर आपको लोन नहीं मिल रहा तो आप पे लेटर को एक्टिवेट कर सकते हो, आपको पे लेटर में 10 से 15 हजार की लिमिट आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अगर उसके बारे में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक करना, और ऐसी जानकारी आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।